अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोभी आलू मटर की सब्जी बनाने की रेसिपी। चूल्हे पर कढ़ाई मैंने रख दी है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी साइज की कटी हुई प्याज और फिर हम इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये अदरक लहसुन की रोज स्मेल ख़त्म होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टी स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट। तो ये हरी मिर्ची के पेस्ट को भी हमें हल्का सा भून लेना है। तो जैसे ही ये भून जाएगा हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, बारीक चॉप किए हुए। तो ये टमाटर हम ऐड कर देंगे इसमें। तो ये टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें सारे पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून और ये नमक भी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, ये घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर है। और 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर या फिर चिकन मसाला पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारी सब्ज़ी में। इन सभी मसालों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो अब देखिए हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए, तो हम इसमें ऐड करेंगे ये मटर। तो ये मैंने 250 ग्राम मटर लिए हैं और ये 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने इस तरह से काट लिया है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम इसकी लीड बंद करेंगे और इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। आलू पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए हम पहले आलू को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे और ये जब हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए अब हमारे जो आलू हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इसमें ये गोभी ऐड कर देते हैं। तो इसे हमें कर लेना है मिक्स और इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं, अब हम इसकी गैस की फ्लेम लो करेंगे और इसे ढककर पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसमें 1 से 2 बार चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके नहीं। अगर हम इसे ढक कर लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये इसी के पानी में सॉफ्ट हो जाएगी, हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट में देखिए हमारी जो सब्ज़ी है वो सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये गोभी हमारी गल गई है अच्छी तरह से, तो अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और फिर ये रेडी हो जाएगी सर्व करने के लिए। तो लीजिए तैयार है हमारी गोभी आलू मटर की सब्ज़ी जो बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और रेसिपी पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।